सभी, हाउ आर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. ऑल राइट, अ फ्यू ऑफ यू हैव जॉइंड अस, बाकी आर स्टिल जॉइनिंग अस. तो सबने कल का देखा है, ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू यस्टरडे स्टफ. जस्ट गुड इवनिंग शिखा, तान्या, शिवानी, इशिता, दिव्या. दिव्या थैंक यू सो मच. चलिए, तो हैव यू गॉन थ्रू यस्टरडे स्टफ? कल वाला स्टफ पूरा विजिट कर लिया था. यू हैव गॉन थ्रू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस. कहीं पे किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट हुआ, कहीं पे कोई ऐसा लगा कि नहीं ये दोबारा रिपीट होना चाहिए, या ये क्लियर नहीं है, इसका नोट नहीं बन पाया, gone through yesterday's, all right, that's good. Labor organizations एक बार repeat कर देंगे, बिल्कुल ठीक है. Labor organizations से आज start कर देंगे, एक बार labor organization repeat हो जाएगा and then we'll be going towards the new stuff. All right, चलिए, तो let's begin on the discussion. अब let me share the PPT with all of you. Okay, visible, audible, visible, everything. Visible है screen आपको जो PPT share किया है, that is visible to all of you now. Good evening, Shaurya. Welcome to the session. Yes, visible. That's good. तो सेकेंड, ओके, तो हमारा कल ILO तक हो गया था, बट सिंस यू आस्क्ड मी टू रिपीट इट अगेन, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल बी गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी अदर ऑर्गेनाइजेशन, राइट. अब ILO जितने बच्चों को कल समझ आ गया था, ऑल दोज हु हैव अंडरस्टूड, उनको जल्दी से क्वेश्चन है, जल्दी से नोट डाउन करवाइए क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताया था कल. जितने बच्चों को समझ आ गया था उतने बच्चे जल्दी से बताएंगे. देखो, फॉर्मेशन ईयर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो पता होना चाहिए. फॉर्मेशन ईयर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है 1946, जब इसने यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन किया. लेकिन इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसको फॉर्म कब किया गया, कितने कंट्रीज इसके मेंबर है, एंड हेडक्वार्टर्स यहाँ पे लिखा ही है जेनेवा स्विट्जरलैंड. तो 1919, that's right, इसका फॉर्मेशन 1919 के अंदर हुआ था. 183 members are there, that's right, a total of 183 members are there by Treaty of Versailles. शिखा, very good, Treaty of Versailles से इसको बनाया गया था 1919 में बनाया गया था. Who is the current director general? Who is the current head या director general? Guy Ryder, शिखा, very good, Guy Ryder is the current director general. ठीक, Guy Ryder currently इसके अध्यक्ष या director general है. Headquarters Geneva, Switzerland में है. जो parent organization है वो United Nations है, या United Nations की एक specialized agency के तौर पे ये function करता है. It is the first and the oldest specialized agency of United Nations. संयुक्त राज्य United Nations की one of the oldest organizations में से एक है. It is one of the oldest organizations, specialized agencies of United Nations. Right? Ma'am, recall. Sitakshi, abhi sirf International Labour Organization jo last complete kiya tha, wo hi humne abhi complete kiya, ek bar revise kiya hai. To ye clear hai?
राइट, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, द नेक्स्ट स्लाइड फॉर अस। और कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO। मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है? एनीवन हु नोज अबाउट मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन? देखो हेडक्वार्टर्स यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, IMO के हेडक्वार्टर्स जो है लंदन के अंदर है। इट वाज फाउंडेड इन 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इट वाज ड्यूरिंग द जेनेवा कन्वेंशन इसका फॉर्मेशन हुआ था। दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, जेनेवा कन्वेंशन था, उस कन्वेंशन में इसको सेटअप किया गया था। लंदन में इसके हेडक्वार्टर्स है और इसमें करंटली 174 कंट्रीज मेंबर है। 174 मेंबर स्टेट्स हैं और 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं, या यू कैन से ऑब्जर्वर काइंड है, राइट? तो इनका पर्पस क्या है? मरीन सेफ्टी। मरीन सेफ्टी यानी कि पानी में गंदगी नहीं फेंके, बाकी कंट्रीज पानी को साफ रखे, उसको साफ रखने के लिए, कोरल रीफ्स के लिए सेफ्टी रखने के लिए ऐसे स्टेप्स कंट्रीज ले, उसके लिए इस मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया था। शिपिंग इजीली हो, एफिशिएंट फॉर्म से हो, सेफ्टी जो भी यू नो फिशरमैन वगैरह है उन सबकी सेफ्टी, वाटर बॉडीज की सेफ्टी हो, वाटर में जो लोग जा रहे हैं उनकी सेफ्टी हो, तो ओवरऑल वाटर रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करने के लिए ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। IMF वेरी इंपॉर्टेंट। IMF इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि IMF हैज लेंडेड आउट अ लॉट ऑफ फंड्स टू इंडिया, है ना? और रिसेंटली अगर हम लोग बिल्कुल रिसेंट बात करें तो श्रीलंका के लिए इंडिया ने अप्रोच भी किया है IMF को कि श्रीलंका शुड बी यू नो गिवन थोड़ी सी रियायत मिलनी चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा उनको लोन मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल क्राइसिस। तो देर आर मेनी रीजंस एंड IMF की वन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशंस में इंडियन भी है। हु इज दैट? IMF की वन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशंस में वी हैव एन इंडियन। हु इज दैट? एनी आइडिया किस पोजीशन पे कौन है? IMF से रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस आई विल बी टेलिंग यू, टिल देन यू रिकॉल दैट IMF वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में हेडक्वार्टर्ड है। 1945 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तनुश्री से जदानी, गीता गोपीनाथ, दैट बी राइट, गीता गोपीनाथ इज राइट। तो पहले हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। IMF वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर्ड है। अब एक हिंट, ये आपको एक तरीके से ट्रिक हो गया कि जितने भी मनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी पैसे से रिलेटेड है, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, या कोई और मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो हम देखेंगे, वो सब मनी मैटर्स वॉशिंगटन के अंदर है। मनी मैटर्स के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड रिलेटेड है, वो रोम इटली में है, मनी मैटर्स वाला वॉशिंगटन में है। ठीक, हेडक्वार्टर्स मतलब कि जहां पे उनका मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स मतलब जो मेन ऑफिस है उनका, दैट इज इन वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। 1945 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। उस टाइम पे सिर्फ 29 देशों से शुरू किया था, ओनली 29 मेंबर्स वर अ पार्ट ऑफ इट। इसका कॉन्फ्रेंस पूछा जाता है, इसे एस्टैब्लिश किससे किया गया? इट वॉज ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। जस्ट अ सेकंड, इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था दैट वॉज बाय ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से इसको एस्टैब्लिश किया गया था, राइट? एंड करंटली अगर हम लोग इसके हायर अथॉरिटीज में देखें या हायर पोजीशंस में देखें, तो एक तो इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है मैनेजिंग डायरेक्टर की। IMF के अंदर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन, एक तो इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है मैनेजिंग डायरेक्टर की। वो कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर करंटली इज क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, शी इज द करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर। और पहली बार एक पोजीशन बनाई गई है डेप्यूटी MD। डेप्यूटी MD की पोजीशन इस साल पहली बार बनाई गई है एंड दैट हैज बीन गिवन टू गीता गोपीनाथ जी।
गीता गोपीनाथ जी पहले जो है शी वॉज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ओवर देयर, वहां पे चीफ एडवाइजर थी, लेकिन अब उनको डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजिशन पे रख दिया है जो पहली बार ही बनाई गई. तो शी इज द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF. IMF की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ है. और इनकी जो पहले पोजीशन थी यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट की जो इनकी पहले पोजीशन थी वो अब किसको दे दी गई है, ये पोजीशन दे दी गई है पियर ऑलिवर को. पियर ऑलिवर को ये पोजीशन दे दी गई है. आई विल रिपीट इट, डोंट वरी. तो डिफिकल्ट टू रन यशस्वी, यस, इनको थोड़ा सा रिपीटेड फॉर्म में याद करेंगे तभी याद होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड इसमें बहुत सारा डेटा रहता है. कुछ चीजों में आई कैन हेल्प यू आउट विद ट्रिक्स, बट अदरवाइज यू हैव टू रिमेम्बर बाय रिपीटेशन. रिपीटेशन बहुत जरूरी है इसमें. तो IMF अंतरराष्ट्रीय मॉनिटरी फंड जो है इसके मुख्यालय Washington DC में है, और इसको स्थापित किया गया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से जो 1945 में हुआ था. 1945 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत इसको स्थापित किया गया. अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट जगह होती है. एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर या MD. MD की पोजीशन क्रिस्टलीना जॉर्जीवा की है, KRISTALINA, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा. डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर उप MD की पोजीशन गीता गोपीनाथ जी को दी गई है, जो पहली बार ये पोजीशन बनी है, ये जगह जो है, ये रैंक जो है, ये पहली बार बनाई गई है, और ये डेप्यूटी MD की पोजीशन गीता गोपीनाथ जी को दी गई. चीफ इकोनॉमिस्ट जो गीता गोपीनाथ जी की पहली पोजीशन थी वो पियर ऑलिवर जी को दी गई है. ये पहली पोजीशन इसलिए बताएं क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे आता है, जो आया है वो ये है कि पियर ऑलिवर इज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट, नए चीफ इकोनॉमिस्ट, मुख्य इकोनॉमिस्ट के तौर पे पियर ऑलिवर को नियुक्त किया गया है. इससे इनसे पहले ये स्थान किसका था, ये रैंक किसकी थी, तो पहले ये गीता गोपीनाथ जी की थी, अब वो डेप्यूटी MD है. ठीक. और मैनेजिंग डायरेक्टर या MD क्रिस्टलीना जॉर्जीवा है, राइट. एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस है क्योंकि उसका स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, राइट. यहाँ पे क्लियर. IMF बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. यूनेस्को अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. नाउ यूनेस्को की हम लोग बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स तो यही रहते हैं कि इसके हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है, फ्रांस में, पेरिस में है. इसका स्थापना 1946 के अंदर किया गया था, मतलब वैसे स्थापित 1945 में था, इफेक्टिव 1946 में था. तो अगर 45 मिलेगा तो यू कैन से दैट. और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, दैट इज ऑड्रे अजौले. ऑड्रे अजौले करंटली इसके वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल या DG है, राइट. क्लियर. यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके. देन वी हैव WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों को पता है कोविड के टाइम पे WHO का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है. WHO हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल राइट नाउ. और अभी जो कोविड अभी भी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इबोला वायरस का आउटब्रेक हो रहा है, वेरियस आउटब्रेक्स आर गोइंग ऑन, तो उस टाइम पे WHO इज ऑन अ वेरी एक्टिव मोड राइट नाउ. डायरेक्टर का नाम है ऑड्रे अजौले, AUDREY, ऑड्रे, AZOULEY, अजौले, ऑड्रे अजौले. नेक्स्ट, WHO की बात करें, ये भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है. किसके लिए, हेल्थ के लिए है. हेडक्वार्टर्स इसके जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है. एक चीज याद रखनी है, ये आपको एक तरीके से हिंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मेजरली मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे जिनका नाम वर्ल्ड या इंटरनेशनल से शुरू हो और बीच में जो भी नाम है, एंड में ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, तो उसके हेडक्वार्टर्स मोस्ट प्रोबेबली जेनेवा में होंगे.
मोस्ट प्रोबेबली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम वर्ल्ड या इंटरनेशनल से शुरू हो रहा है और एंड ऑर्गेनाइजेशन पे हो रहा है, उसके मुख्यालय जेनेवा में होने के 99% चांस है. 1% है कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग जगह है, मैक्सिमम जेनेवा में होंगे. ठीक. नाउ जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO के हेडक्वार्टर्स है. 1948 में इसकी स्थापना की गई थी. हु इज द करंट हेड, WHO के करंट हेड कौन है? नाम इनका काफी चल रहा है, करंट न्यूज में आता ही रहता है. डॉक्टर टेड्रो, यूज हिंदी लैंग्वेज बेटा. फायजा, इसके अंदर क्या है, हिंदी में लिखना पॉसिबल नहीं था क्योंकि फिर बहुत ज्यादा जगह लेता. कोशिश की गई है कि आपको, जैसे मैं बोल रही हूँ वो आप लोग ट्रांसलेट अगर कर पाते हैं तो वो आसान रहेगा आपके लिए. कुछ समझ में नहीं आ रहा है पूछ सकते हैं दोबारा से, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या है, नाम है, जगहों के नाम है, पर्सन के नाम है, लोगों के नाम, हेडक्वार्टर्स जगह के नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यही चीजें ज्यादा है, ईयर है. तो इसमें आई डिड नॉट फील कि ये लैंग्वेज बैरियर इतना ज्यादा होगा. फिर भी अगर कहीं लगता है कि नहीं अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, फील फ्री टू आस्क अगेन, है ना. डॉक्टर टेड्रोस, दैट्स राइट, डॉक्टर टेड्रोस एडनोम. डॉक्टर टेड्रोस एडनोम करंटली इसके हेड है, WHO डायरेक्टर जनरल. हेड का मतलब WHO के डायरेक्टर जनरल. ठीक. और ये इकोसॉक का सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो पेरेंट है वो इकोसॉक है. इकोसॉक आपको कल कराया था, इकोसॉक का सब्सिडरी है WHO. IMF में होता है क्या? विग्नेश, क्या IMF में होता है? IMF एक मनी ऑर्गेनाइजेशन, अभी बताया, पैसों से संबंधित जो संगठन है, जो मनी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में होंगे, जिनका नाम इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय और विश्व वर्ल्ड से शुरू होता है और ऑर्गेनाइजेशन या संगठन पे एंड होता है, वो वाले 99% जेनेवा में बेस्ड होंगे. ठीक है. तो दीज आर अ फ्यू ट्रिक्स, छोटे छोटे से इजी वे हैं याद रखने के. देन वी हैव यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या यूनिडो. यूनिडो के अगेन हेडक्वार्टर्स या मुख्यालय और इसका फॉर्मेशन ईयर इंपॉर्टेंट है. तो यूनिडो के मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है. 1966 में इसकी स्थापना की गई थी. अब कोई यहाँ पे एक और हिंट यहाँ पे आपको देते हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑयल से डील करता है, तेल से संबंधित, पेट्रोलियम या ऐसा कुछ संबंधित, या फिर इंडस्ट्रियल वर्क से संबंधित है, इनके मुख्यालय ज्यादातर वियना में होते हैं. तो तीन आपको हिंट दे दिए. पहला हिंट, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो मनी पैसों से संबंधित है, उसके मुख्यालय वॉशिंगटन DC में ज्यादा होंगे. दूसरा हिंट, अगर कोई खाने से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, वो वाले हेडक्वार्टर्स रोम में होंगे, रोम इटली में. तीसरा, अगर कोई ऑयल, पेट्रोलियम, इंडस्ट्रियल ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुख्यालय वियना में होंगे. और चौथा है कि अगर किसी का नाम अंतरराष्ट्रीय या विश्व से शुरू होके और संगठन या ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होता है, तो उसके 99% चांस है कि वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर. एक्सेप्शन आप अलग से लिख सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल मैरिटाइम हो गया, सिविल एविएशन हो गया, ये कुछ एक्सेप्शन है, इनका आप लोग अलग से एक्सेप्शन की लिस्ट बना सकते हैं, है ना. तो अब वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर्स है यूनिडो के, और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी. करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? जर्ड मुलर. करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? जर्ड मुलर. ठीक.
सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, ICAO के साथ रिसेंटली करंट न्यूज इवेंट हुआ था, जब ICAO के साथ मिलके वी हैव रिलीज्ड एन ऐप फॉर इजी पेमेंट्स, फ्लाइट का पेमेंट इजी करने के लिए इनके साथ मिलके एक हमने पेमेंट्स शुरू किया है. तो ये अगेन एक इम्पोर्टेंट करंट से रिलेटेड हो गया. तो इसमें याद रखना, इसके हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है और ये 1944 में स्थापित किया गया था. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944, राइट? देन वी हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो. विपो वही वर्ल्ड से शुरू हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है. जेनेवा में हेडक्वार्टर्स है, 1967 में स्थापित किया था. यस, थर्ड में ट्रिक है. काफी सारे ऐसे हमने देखे जिनमें ट्रिक है. देन एग्रीकल्चर आ गया यहाँ पे, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का कहाँ पर होगा? रोम में. सिंपल बताया था, एग्रीकल्चर है, फूड है, कहाँ जाएगा? रोम में जाएगा. 1977 में इसको स्थापित किया गया था IFAD को, और ये रोम इटली में हेडक्वार्टर्ड है. नेक्स्ट, इसके बाद आता है पोस्टल यूनियन, UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन. ये अलग है, ये स्विट्जरलैंड में बर्न में है. इट इज नॉट इन जेनेवा, इट इज इन बर्न. 1974 में इसको स्थापित किया गया था. इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1974. और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो पोस्टल सिस्टम को रन करने में, पोस्टल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में वर्क करके, ट्रीटी ऑफ बर्न से इसको स्थापित किया गया. 1874 है, जेनेवा के अंदर है. तो पोस्टल, पोस्ट जो है वो बर्न में, दोनों स्विट्जरलैंड में है लेकिन पोस्ट जो है वो बर्न में है, और टेलीकम्युनिकेशन जो है वो जेनेवा में है. और टेलीकम्युनिकेशन पोस्टल से पहले बनाया गया था 65 में. पहले टेलीकम्युनिकेशन बना, फिर पोस्टल बना. देन वी हैव UNWTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन. इसकी एक लिस्ट भी आती है बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स करके, वर्ल्ड का बेस्ट टूरिज्म स्पॉट्स. तो WTO जो है ये मैड्रिड स्पेन में हेडक्वार्टर्स है. 1974 में इसको स्थापित किया गया था. दैट वुड बी द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट. इसमें ज्यादा डिटेल्स में जाना नहीं है. तो इसके हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसकी एस्टैब्लिशिंग ईयर इंपॉर्टेंट है. देन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, अगेन यहाँ पे ट्रिक अप्लाई हो रहा है. वर्ल्ड और ऑर्गेनाइजेशन दोनों साथ में है, तो हेडक्वार्टर कहां पर होंगे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में. यहाँ पे ट्रिक अप्लाई हो गया. 1950 में इसको स्थापित, 1950 में या 1950 में इसको स्थापित किया गया. वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये फाइनेंस है, फाइनेंस यानी पैसों से संबंधित है. तो हेडक्वार्टर कहां पर जाएंगे? वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है. और 1944 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944. अब यहाँ पर यू हैव टू टेल मी द हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक करंटली काफी सारे लोन्स डिस्पर्स कर रहे हैं इंडिया को, राइट? यहाँ पर सेम जिससे IMF बना था, उसी ट्रीटी से वर्ल्ड बैंक बना है. दैट इज ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. सेम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, उसी से IMF बना था, उसी से WB या वर्ल्ड बैंक बना था, और ये दोनों का कॉन्फ्रेंस पूछा जाता है. डेविड मेलपास, शौर्य, बिल्कुल सही. तान्या, बिल्कुल सही. करंट प्रेसिडेंट, वर्तमान में जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट जो है वो है डेविड मेलपास. डेविड मेलपास वर्तमान में इसके डेविड मेलपास वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं. नाउ वर्ल्ड बैंक के अंडर काफी सारी चीजें आती हैं. लाइक इट हैज आई गेस अबाउट 5 or 6 सब्सिडरीज हैं जो इसके अंडर आती हैं. ठीक, तो इसमें IBRD भी आता है, IDA भी आता है, मतलब टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको मिलकर के वर्ल्ड बैंक घोषित किया गया. कंबाइंड फॉर्म में वर्ल्ड बैंक बोला जाता है. ठीक,
टोटल पांच है, पांच को मिला करके एक बनाया गया, 15 नहीं है ये, पांच है, पांच को मिला करके विश्व बैंक बोला जाता है। अध्यक्ष कौन है? डेविड मेलपास। आयुष द करंट प्रेसिडेंट या हेड या अध्यक्ष जो है वो इसमें डेविड मेलपास है, राइट। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो इंडियन है उनका अपॉइंटमेंट याद रखना है, क्योंकि इंडियन अपॉइंटमेंट ज्यादा पूछे जाएंगे। इंडियन इसमें एमडी एंड सीईओ है, किसी को नाम पता है? एमडी एंड सीईओ के तौर पे एक इंडियन है, कौन है? सीईओ नहीं सीएफओ, सॉरी सीईओ नहीं सीएफओ, दैट इज अंशुला कंत। अंशुला कंत जी पहले एसबीआई की एमडी थी, उनको अब वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक का एमडी और सीएफओ के तौर पे नियुक्त किया है, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन फॉर अस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंडियन डिप्लॉयड है वहां पे। तो ये पोजीशन जरूर याद रखनी है, एमडी एंड सीएफओ अंशुला कंत है, स्पेशल हाईलाइट करके बॉक्स में करके लिख दो। ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्लियर है? यू आर क्लियर ऑफ दिस पार्ट? ऑलराइट, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज पे। इंपॉर्टेंट एजेंसीज में एक आता है यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम या यूनेप। यूनेप के मुख्यालय अगेन एक अलग जगह है, दैट इज नैरोबी केन्या। यहाँ पे हार्डली कोई हेडक्वार्टर है, तो नैरोबी केन्या में यूनेप या यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर है, एंड इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। करंटली हेड कौन है? इंजर एंडरसन। इंजर एंडरसन करंटली इसके हेड है, ये एसई है। इंजर एंडरसन इज द करंट हेड ऑफ यूनेप, ठीक। देन आता है यूनिसेफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसके मुख्यालय वहीं पर है जहां पे यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर है, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी में। इसकी स्थापना 1946 के अंदर की गई थी। यूनिसेफ के प्रेसिडेंट और हेड अलग अलग हैं। यूनिसेफ के हेड है कैथरीन एम रसल, कैथरीन एम रसल इसकी करंट हेड है। और अगर हम लोग इसके करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो टोर हैटर में इसके करंट प्रेसिडेंट, ठीक। देन वी हैव पॉपुलेशन फंड। पॉपुलेशन फंड न्यूयॉर्क में है, 1967 में स्थापित किया गया। हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इसका काम है कि जैसे कोई कंट्री से रेफ्यूजीज आ रहे हैं तो उनको दूसरी जगह दी जाए, उनको रेफ्यूजीज जो भी है उनको सही इंपॉर्टेंट बेसिक ह्यूमन फैसिलिटीज मिले बाकी देशों के रास्ते खुलवाने के लिए, ताकि जो रेफ्यूजी लोग हैं उनको रहने की एक जगह मिले, है ना। तो वो यूएनएचसीआर का काम है और ये जेनेवा के अंदर बेस्ड है। 1950 में इसको स्थापित किया गया था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950। यूएनएचसीआर का अभी थोड़ा काम चल रहा है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन, यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, द वेरी सीवियर वॉर, वहां पे इनका भी रोल थोड़ा सा है। देन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। दीज यू कैन गो थ्रू, एक बार रीडिंग कर सकते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी, संयुक्त राज्य की जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है वो टोक्यो जापान में है। टोक्यो जापान में 1972 में संयुक्त राज्य ने अपना एक खुद का विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी ओपन किया था, ठीक। दैट इज इंपॉर्टेंट, बाकी लिस्ट है एज इट इज, आप लोग पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है धनुषी वो मैंने मार्क कर दिए, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैंने आपको मार्क कर दिए हैं, बाकी आप एक बार रीडिंग कर लेंगे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको बता दिए, वो आप स्पेशली याद रखें, है ना। देन वी हैव ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड वाला अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी करंटली थोड़ा सा ट्रेड रिलेटेड इश्यूज काफी चल रहे हैं, ट्रेड
अभी रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, जो इंडेक्सेस वगैरह है उधर से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली एक वो रिलीज की गई थी, रिपोर्ट रिलीज की गई थी वर्ल्ड ट्रेड की, जो काफी हद तक डाउन हो गया है और यूक्रेन क्राइसिस के बाद और भी डाउन हो गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जेनेवा के अंदर बेस्ड है, 1964 में इसको स्थापित किया गया था, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1964। एंड इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो रिबेका ग्रीनस्पैन, इसकी करंट सेक्रेटरी जनरल रिबेका है। बैक पेज आयुष एक बार ये कंप्लीट कर देते हैं, फिर मैं आपको बैक पेज करके फिर फ्रंट पेज कर देंगे, है ना। देन वी हैव एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक एनर्जी का थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम है कि रेडियम का कॉन्सेंट्रेशन किसी देश के पास इतना ज्यादा ना हो कि न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ जाए, सबको रेगुलेट करके रखना, न्यूक्लियर वेपन्स को रेगुलेट करके रखना। तो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है, एंड 1957 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इससे ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है हेडक्वार्टर का। ह्यूमन सेटलमेंट नैरोबी केन्या, यूनेप भी वहीं पे है, हैबिटेट भी वहीं पे है। देन एचआईवी एड्स के लिए जेनेवा के अंदर है। फूड प्रोग्राम, ये अगेन फूड से रिलेटेड है, खाने से संबंधित कहां पे जाएगा, रोम में जाएगा। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑन ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स का जो ऑफिस है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हियर यू हैव द बैक पेज आयुष, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। किसी को और लेना है यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। एंड नेक्स्ट स्लाइड शुड आई डू, ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड है, किसी को यहाँ का स्क्रीनशॉट लेना है ये ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ अवेलेबल होगा ही, राइट। ऑलराइट, यहाँ पे अभी हमारा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीट होते हैं, we still have some remaining, तो अभी ऐसा नहीं है कि complete हो गया है, just give me one second to share the other PPT. That's right. So, अब हम कुछ फोरम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स पे आएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, वो तो थी यूनाइटेड नेशंस रिलेटेड जो है, ये अब जो हम पढ़ेंगे इनका यूनाइटेड नेशंस से कोई लेना देना नहीं, दे आर नॉट एसोसिएटेड इन एनी वे विद यूनाइटेड नेशंस, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है एज यू कैन से, राइट। तो सबसे पहला आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। WEF जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सारी इंटर गवर्नमेंटल है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या है, इंटर गवर्नमेंटल का मतलब है कि देश ने मिलके, मतलब कई सारे देशों ने मिलके इनको शुरू किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन को काफी देशों ने मिलके आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, वो होती है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये फोरम कहां पर बेस्ड है, जेनेवा में है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, करंट हेड क्लॉस श्वाब है, एंड हेडक्वार्टर्स कलोनी स्विट्जरलैंड के अंदर है, राइट। तो इसका पर्पस क्या है, इकोनॉमी डिस्कस करना, इकोनॉमिक फोरम है, फोरम क्या होता है, फोरम यानी एक डिस्कशन की जगह, तो ये एक डिस्कशन की जगह है जहां पे देश मिलके अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन डिस्कस करते हैं, दुनिया भर की इकोनॉमिक सिचुएशन डिस्कस करते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एवरीथिंग भी डिस्कस होता है। नेक्स्ट IMF, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। वर्ल्ड बैंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यूनेस्को, साथ। नेक्स्ट वी हैव साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, SAARC बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार इंडिया इसका पार्ट है,
इंडिया इज अ पार्ट ऑफ सार्क, इसलिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब इन वालों के अंदर ये जो हम पढ़ने वाले हैं इनके अंदर आपको कंट्रीज पता होने चाहिए, मेंबर कौन कौन है। तो सार्क के अंदर आपको पहली बात ऐसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे। अब हम जो ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं उस ग्रुप्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने हैं, उन ग्रुप्स के अंदर यू नीड टू नो अबाउट हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है, यू नीड टू नो कि इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, यू नीड टू नो इसमें मेंबर कितने हैं, हाउ मेनी मेंबर आर देयर, और मेंबर के नेम, नाम आपको पता होने चाहिए G20 तक के, यानी 20 तक के नाम होंगे, G20 इज द बिगेस्ट वन फॉर नाउ, और उन सब में आपको नेम्स पता होने चाहिए क्योंकि आपसे एलिमिनेशन क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन मेंबर नहीं है कौन मेंबर है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स हैं, दो कौन सी कंट्री हैं जो मेंबर नहीं होंगी, एक है ताइवान, वन ऑफ देम इज ताइवान। ताइवान का क्या है कि चाइना उसको क्लेम करता है, ठीक, लेकिन उसे हर देश रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट है, तो उसको हर देश आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, तो उनको मेंबर की तरीके से नहीं माना गया है, ठीक। देन वी हैव पैलेस्टीन, ये एक परमानेंट नॉन मेंबर है, ये मतलब पूरी तरीके से मेंबर नहीं है, पैलेस्टीन इज वन ऑफ दोस। वेटिकन सिटी द होली सिटी दैट इज आल्सो नॉट अ परमानेंट मेंबर, परमानेंट मेंबर में नहीं आता है। देन कुछ ऐसे रीजन है जैसे ताइवान रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, एक सहारा, वेस्टर्न सहारा एक जगह है मोरक्को में, वो आइडेंटिफाइड नहीं है, दैट इज नॉट अ पार्ट। देन सर्बिया में एक जगह है कोसोवो, वो आइडेंटिफाइड नहीं है, वो मेंबर नहीं है इसका। तो वी हैव सर्टेन मेंबर। How many countries are member of SAARC? We'll be coming to that now. SAARC की अगर हम लोग बात करें तो पहली बात हेडक्वार्टर नेपाल में है, ठीक, established ढाका में हुआ था, तो SAARC का आइडिया का जो जन्म है वो ढाका में हुआ, लेकिन इसके मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। अब इसके मेंबर में हम लोग बात करें तो वेरी इजी वे टू रिमेंबर, I'll be sharing a very easy way to remember. आप लोगों को neighboring countries कराए इंडिया के, है ना? You all know about the neighboring countries of India and India itself. तो उसी से हम लोग याद रखेंगे इसको। कैसे याद रखेंगे? देखो, India is a member, definitely. सबसे पहले हमने बीच में इंडिया को रख दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। वेस्ट में सबसे पहले पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान मेंबर है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद ऊपर अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान मेंबर है बिल्कुल। इसके बाद चाइना आता है, चाइना मेंबर नहीं है। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, चाइना आता है, चाइना इज नॉट अ मेंबर। इसके बाद यहाँ पे नेपाल आता है, नेपाल में तो हेडक्वार्टर ही है हमारे, मेंबर है। इसके बाद भूटान आता है, यहाँ पे भूटान मेंबर है बिल्कुल, भूटान इज अ पार्ट ऑफ इट। देन इसके बाद इफ यू मूव फर्दर हमारे पास आता है म्यांमार, म्यांमार इसका मेंबर है नहीं, म्यांमार इसका मेंबर नहीं है, ठीक। ये हो गए हमारे लैंड बॉर्डर्स। इसके बाद वाटर बॉर्डर्स, वाटर बॉर्डर्स में सबसे पहले यहाँ पे क्लोजेस्ट हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका मेंबर है बिल्कुल, और इसके अलावा एक और देश है और वो है मालदीव्स, मालदीव्स दिस इज अ मेंबर, दीज आर द मेंबर्स। सात टोटल देश है, देयर आर टोटल ऑफ सेवन मेंबर्स, सात मेंबर है। लैंड नेबर्स में से दो नहीं है, बस म्यांमार और चाइना को हटा दो, बाकी सब लैंड बॉर्डर वाले मेंबर है, और वाटर बॉर्डर में दो है, ऊपर से दो हटा के नीचे के दो ले लिया, ठीक। ऊपर से दो, लैंड बॉर्डर से दो देश हटा के वाटर बॉर्डर के दो ले लिए, श्रीलंका और मालदीव्स, क्लियर। यहाँ पे याद रहेगा आप, एंड बांग्लादेश, या आई फॉरगॉट दैट आल्सो, यस बांग्लादेश, बांग्लादेश किया, ठीक। ऊपर से दो हटा के नीचे के दो ले लिए। लेटेस्ट मेंबर इसका अफगानिस्तान था, जिसने 2007 में ज्वाइन किया था,
2007 में लेटेस्ट अफगानिस्तान था जिसने ज्वाइन किया था. सो दैट मेक्स अस 8. ऑलराइट, 7 की जगह 8 होना चाहिए, यहाँ पे काउंटिंग खराब हो गई. 8 मेंबर्स. ठीक, आठ मेंबर्स है बेटा इशिता, आठ मेंबर्स हो गए. आठ मेंबर्स है. अब कैसे है, लैंड बॉर्डर जितने भी है हमारे, बॉर्डर्स इसलिए आपको पहले करा दिए थे, लैंड बॉर्डर हमारे जितने हैं, जमीन पे हमारा जितना बॉर्डर है, वो सब देशों से सिर्फ दो देशों को हटा दो, चाइना और म्यांमार, और उसकी जगह पे दो वाटर बॉर्डर के ले लो, श्रीलंका और मालदीव्स. ये सब मेंबर है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साथ के. और हेडक्वार्टर्स काठमांडू में, यानी मुख्यालय काठमांडू में. इसकी स्थापना ढाका में हुई थी 1985 में ढाका बांग्लादेश में इसको स्थापित किया गया. और टोटल आठ मेंबर्स हैं. एट मेंबर्स अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से है, इंडिया, सबसे पहले इंडिया आता है, भारत, भारत के बाद आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद आता है नेपाल, भूटान. ऑलराइट, देन वी हैव बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स. क्लियर हो गया यहाँ पे, ये मेंबर्स है इसके. जिनको सिर्फ मेंबर्स लिखने हैं ये कर सकते हैं, याद रखने का आपको मैंने बता दिया, सिंपल तरीका है याद रखने का. लेटेस्ट मेंबर पूछेंगे अफगानिस्तान. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है. शुड वी मूव टू द नेक्स्ट वन. ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका आपको जरूर याद रखना है. एशियन एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसमें टोटल 10 देश हैं. इसमें ये चीज याद रखनी है, 10 मेंबर्स हैं टोटल, इसमें ये चीज याद रखनी है कि इसके अंदर इंडिया मेंबर नहीं है. इसमें कई बार पूछते हैं कि इंडिया मेंबर है, नहीं है. इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, इसके मुख्यालय जकार्ता में है. 1967 में इसको स्थापित किया गया था और यहां से एक रीजनल कोऑपरेशन साइन किया गया था फॉर ट्रेड, रीजनल कोऑपरेशन फॉर फ्री ट्रेड. यहां से ये इंपॉर्टेंट लेना है, रीजनल कोऑपरेशन फॉर फ्री ट्रेड जो है ये 15 देशों का है, 15 कंट्रीज, 15 देशों ने इस पे साइन किया था. भारत उनमें भी नहीं था, इंडिया ने इसमें साइन करने से रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था, क्योंकि इनको क्योंकि हमारा मानना जो बिल्कुल सही भी है कि चाइना इसमें ओवर पावर कर जाएगा, बाकी देशों को सिर्फ हेल्प ले रहा है. तो 15 देश थे, 5+10, 5 देश जो फ्री ट्रेड करना चाहते हैं और 10 देश एशियन के. यहां से ये इंपॉर्टेंट है, 10 देश मेंबर पता होना जरूरी नहीं है इसमें. एशियन में, एशियन में आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल मेंबर कितने हैं, इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है और जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था उसमें टोटल कितने कंट्रीज है. ठीक, और इसके हेडक्वार्टर्स जकार्ता इंडोनेशिया में है. नेक्स्ट वी हैव इज ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. ओईसीडी, ओईसीडी के काफी सारा इंडेक्स रिलीज किया जाता है, इंडेक्सेस मेजरिंग की यू नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसमें कितना हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट करता है ओईसीडी, तो उसमें उस सेंस में ये न्यूज में रहता है. इसके हेडक्वार्टर या मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है. इसकी स्थापना 1961 में हुई थी. करंट हेड एंजल गुरिया है इसकी. एंड फर्दर मोर इसमें कंट्रीज कितने हैं, 38 मेंबर. अगर पूछेंगे इसमें इंडिया मेंबर, इसमें 38 मेंबर्स हैं, देयर आर अ टोटल ऑफ 38 मेंबर्स. ठीक, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, देयर आर टोटल ऑफ 38 मेंबर्स. प्लीज शो एशियन स्लाइड अगेन.
All right, I'll show that. No issues. Just a second. Here. This is the Asian slide. Clear yahan pe? Quickly. यहाँ पे क्लियर स्क्रीनशॉट ले लिया है जिनको लेना था. थैंक यू. ऑलराइट, अब यहाँ पे ओईसीडी में क्या इंडिया मेंबर है? अगर हम लोग इंडिया का पोजीशन देखें, नहीं, इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया ने ओईसीडी डेवलपमेंट सेंटर ज्वाइन किया हुआ है. ओईसीडी का एक डेवलपमेंट सेंटर है, उसको ज्वाइन किया है इंडिया ने. इंडिया इज 27th मेंबर ऑफ इट, लेकिन ओईसीडी एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसका मेंबर नहीं है. ठीक, इंडिया ओईसीडी का मेंबर नहीं है, ओईसीडी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, डेवलपमेंट सेंटर, उस सेंटर का पार्ट है. ठीक, नेक्स्ट वी हैव इज एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. नाउ एआईआईबी की बात करें तो ये एक मल्टीलैटरल बैंक है जो एशियन कंट्रीज को हेल्प करने के लिए, एशियन कंट्रीज में डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए बनाया गया. इसमें करंटली इसके हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में, मुख्यालय बीजिंग में है. 2016 में इसको शुरू किया, इसको बनाया गया था, यानी इसका जो काम है वो 2016 में शुरू किया गया. दैट वाज इट्स वर्क स्टार्टेड इन 2016. एंड टोटल मेंबर कितने हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 105 देश, 105 कंट्रीज आर करंटली मेंबर ऑफ एआईआईबी. ठीक, तो 105 मेंबर्स हैं एआईआईबी के, एंड इनका पर्पस है एशिया और ओशियानिया रीजन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करना, डेवलपमेंट प्रमोट करना. राइट, एंड इंडिया इज अ मेंबर. यस, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एआईआईबी, इंडिया ने भी ज्वाइन किया. ऑलराइट, नेक्स्ट इस बैंक के बाद आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स देशों ने बनाया था. एनडीबी जो है ये ब्रिक्स देशों के द्वारा बनाया गया था. अब ये बैंक शुरू करें, इससे पहले हम लोग ब्रिक्स पढ़ लेते हैं, है ना, जिससे कि वहां पे डाउट ना रहे. पहले ब्रिक्स को पढ़ लेते हैं, ब्रिक्स के बाद फिर हम लोग इस बैंक के बारे में बात करेंगे. तो ब्रिक्स नेशंस का, हाउ मेनी ऑफ यू नो ब्रिक्स में कितने देश है, हाउ मेनी कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स? ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. ऑल राइट, वन गैस हैज कम अप. देखो ब्रिक्स 175. ऑल राइट तनुश्री, 175, दैट्स अ वाइल्ड गैस. ब्रिक्स सबसे इजी है, ब्रिक्स सबसे इजी इसलिए क्योंकि जितने इसमें लेटर्स हैं उतने ही कंट्रीज हैं, जितने लेटर्स हैं उतने ही कंट्रीज इसके मेंबर हैं. नाउ कौन कौन से हैं, यहाँ पे बी काफी लोगों ने गलत लिया है, दैट्स राइट, ब्राजील. ऋतु यहाँ पे सही किया, फाइनली सही किया, बी इज फॉर ब्राजील. ब्राजील, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, सी स्टैंड्स फॉर चाइना, एंड एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका, ये पांच देश ब्रिक्स के मेंबर हैं, जैसा नाम है उतने ही मेंबर हैं. ठीक, तो ब्रिक्स एक रीजनल अफेयर है, इन पांच देशों ने मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है. इसके जो प्रेसिडेंसी होती है वो इसी नाम में मूव करती है, यानी कि जैसे अभी चाइना के पास है, करंटली 2022 में चाइना के पास है, अगली साल का पूछते हैं, 2023 में किसके पास होगी? साउथ अफ्रीका के पास. उसके बाद 2024 में किसके पास होगी? ब्राजील के पास. 25 में किसके पास होगी? रशिया के पास. तो ये इसी ऑर्डर में मूव करता है, जो इसका होस्ट या प्रेसिडेंसी है वो इसी ऑर्डर में मूव करता है. ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? When was it established? 2006,
छह में इसको स्थापित किया था, पांच देशों ने मिलके इसको स्थापित किया था। एंड दीज कंट्रीज, ये जो देश है, ये पांच देश, दे कंट्रीब्यूट 41% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, विश्व भर का 41% पॉपुलेशन, जनसंख्या इन पांच देशों में 41% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज इन दीज फाइव कंट्रीज। ठीक, यहां पे क्लियर। ऑलराइट, अब ब्रिक्स देशों ने मिलके एक बैंक बनाया था। ठीक, अब ये बैंक जो है इसका नाम रखा था, पहले ब्रिक्स बैंक था, बाद ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, अब न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया है। इसके हेडक्वार्टर्स जो है ये शंघाई के अंदर है और इसको 2014 में इन पांच देशों ने मिलके बनाया था। करंट प्रेसिडेंट, करंट हेड फ्रॉम इंडिया इज केवी कामट जी। नाउ एडीबी के वैसे प्रेसिडेंट मार्कोस ट्रॉयजो है, करंट प्रेसिडेंट इज मार्कोस ट्रॉयजो। ऑलराइट, यहाँ पे प्रेसिडेंट अगर पूछते हैं कार्वास ट्रॉयजो। क्वेश्चंस बिल्कुल अभी करने वाले, एक बार थोड़े से ये ग्रुप्स पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस तो क्या है, आप घर पे करेंगे और कल भी हो जाएगा, लेकिन एक बार ये नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो यू वोंट फेस इश्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। तो एक बार देख लेते हैं। और करंट वाइस प्रेसिडेंट इज अनिल किशोरा जी। यहाँ पे एक और नाम जो आपको याद रखना है वो है वाइस प्रेसिडेंट का, वो है अनिल किशोरा जी। अनिल किशोरा जी SBI से एसोसिएटेड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही हैज सर्व्ड, एंड नाउ ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक, नेक्स्ट वी हैव एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके क्वेश्चन ज्यादातर आता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है और हेड कौन है। तो हेडक्वार्टर इसके मानिला फिलीपींस में है और करंटली हेड जो है वो मसत्सगु असकावा है। पूजा एक बार हिंदी में और बताना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से पहले जाना जाता था। इसको 2014 में स्थापित किया गया था। इसके मुख्यालय शंघाई चाइना के अंदर है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कार्वास ट्रॉयजो है। कार्वास ट्रॉयजो इज द करंट हेड प्रेसिडेंट या अध्यक्ष है। और इसके उप अध्यक्ष, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट, वो कौन है, दैट इज फ्रॉम इंडिया, दैट इज अनिल किशोरा जी। हु इज द करंट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज कार्वास ट्रॉयजो जी। केवी कामट जी का नाम इस ब्रिक्स बैंक से माना जाता है क्योंकि ही was the, मतलब इनका पोजिशन एंड हो गया है, एट हिज पोजिशन हैज एंडेड नाउ। ही वॉज द हेड, पहले हेड के तौर पर इन्हें अपॉइंट किया गया। तो फर्स्ट हेड वॉज देयर, करंट नहीं है, वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में कार्वास ट्रॉयजो है और वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष अनिल किशोरा जी। नेक्स्ट, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके नाम करंट हेड का बहुत पूछा जाता है, मसत्सगु असकावा। ज्यादा काम हुआ है बिल्कुल, आज काफी नोट्स कंप्लीट हो गए। निमित, काफी लेट ज्वाइन किया है आपने आज। वी आर टू द एंड, ये लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद G7 G20 का एक आइडिया दे देंगे एंड देन हमारा ऑर्गेनाइजेशन नियरली कंप्लीट हो जाएगा। बहुत लेट कर दिया आज, रिकॉर्डिंग जरूर देखना है आज की और नोट जरूर बना लेना आज के। इट्स इम्पोर्टेंट सेशन, आज का इम्पोर्टेंट सेशन था। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये एक नया सा नाम दिखाया आपको, याद रखने में इजी रहेगा, ये एक्सेप्शनल हेडक्वार्टर्स में आया। करंट हेड कार्टर रॉबर्ट्स, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। हम आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और हैं जैसे कि G7 and G10, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लास्ट ग्रुप ऑफ सेवन, बिल्कुल सही तान्या, ग्रुप ऑफ सेवन, G7 जो है दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज। G7
सात देशों का मेंबर है, इट हैज सेवन कंट्रीज। इसकी स्थापना 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। हु आर द मेंबर्स? G7 के मेंबर्स जरूर याद रखने हैं, एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक बार G7 कंप्लीट करते हैं उसके बाद आई एक्सप्लेन अगेन, है ना यशस्वी? बस एक बार ये G7 कर देते हैं। कौन कौन से कंट्रीज है? कनाडा, फ्रांस, दैट्स राइट विधि, नाइस। वी हैव कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, वेरी गुड। जर्मनी है, इटली है, वेरी गुड। देन जापान, बिल्कुल। एडवांस्ड इकोनॉमीज जितनी भी है उनका नाम लिखते जाओ, सात टॉप एडवांस इकोनॉमीज। यूके, वेरी गुड। एक लास्ट बचा है यूनाइटेड स्टेट्स, वो तो होना ही है। तो दीज आर द 3, 4, 5, 6, 7 कंप्लीट हो गई। दीज आर द 7 कंट्रीज जो G7 का हिस्सा है, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी सात इकोनॉमीज में आता है, ठीक। इस बार का होस्ट कौन है या चेयर किसके पास है? 2022 की चेयर जर्मनी के पास है। जर्मनी सर्कल कर दिया है, ये होस्ट है या फिर करंट प्रेसिडेंसी जो है वो G7 की जर्मनी के पास है, ठीक। इसके बाद आता है G20। G20 के बारे में किसको पता है? इसकी कुछ दो तीन न्यूज इवेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 में 20 देश मेंबर है। G20 इज अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, इंटरगवर्नमेंटल है। 20 में क्या आता है? 19 तो देश है प्लस यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में जितने देश हैं वो सब एक यूनियन के तौर पे G20 से जुड़े हुए हैं। तो 19 देश और यूरोपियन यूनियन एंड टोटल 20 मेंबर हैं इसके। एंड अभी करंट प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास है। इंडोनेशिया के पास 2022 की प्रेसिडेंसी है। 2023 की प्रेसिडेंसी भारत के पास आएगी, अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडिया। 1 दिसंबर 2022 में भारत को दे दी जाएगी प्रेसिडेंसी, यानी कि अध्यक्षता G20 की भारत के पास 2020 में आने वाली, 2022 में 1 दिसंबर को आ जाएगी। 2023 की प्रेसिडेंसी हमारे पास रहेगी, ठीक। करंट चेयरपर्सन जोको विडोडो जी है, जो इंडोनेशिया के हेड है, जोको विडोडो, ठीक। ये G20 का इंपॉर्टेंट है। ADB की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक का किसी ने रिपीट करने को बोला था, रिपीटेड। मानिला फिलीपींस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में अध्यक्ष मसत्सगु असकावा जी हैं एंड इसके टोटल 68 कंट्रीज मेंबर हैं। 68 देश हैं जो इसका मेंबर है। G7 G20 इज द ग्रुप जो इन देशों ने मिलके बनाया है अपना इकोनॉमी डिस्कस करने के लिए, अपना जितने भी इंपॉर्टेंट गोल्स हैं किसी देश के लिए, जैसे कि कैसे रन करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने गार्बेज डिस्पोजल के लिए क्या करना चाहिए, हमारे हेल्थ को बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इश्यूज हैं, अब जैसे यूक्रेन और फ्रांस का, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें हमें कितना रोल प्ले करना चाहिए, कोविड का क्राइसिस आया तो उस दौरान हम एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं, वो सब चीजें इन G20 और G7 में डिस्कस होते हैं। इंपॉर्टेंट इन देशों के बीच में इश्यूज जो इनको एड्रेस करने चाहिए, वो इश्यूज ये एड्रेस करते हैं इन ग्रुप्स में। भारत का एक ग्रुप जो आजकल काफी न्यूज में है वो है क्वाड। क्वाड ग्रुप जो है दैट इज ऑफ इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चार देश है क्वाड्रिलेटरल की तरह, जैसे क्वाड्रिलेटरल के चार कॉर्नर है, इसी तरीके से क्वाड ग्रुप है इन चार देशों का। ये चार देश एक इनफॉर्मल इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप है। इनका रिसेंटली एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, मालाबार एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार 2021 में कंडक्ट की गई थी। 2021 में पहली बार ये चारों देशों ने मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया और अब ये 2022 में भी कंटिन्यू की गई थी।
तो क्वाड देशों की एक्सरसाइज के तरीके से होते हैं। ठीक, नाउ अब यहां तक सबको क्लियर है? इज इंडिया ऑल्सो अ मेंबर यशस्वी? यस, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। 1966 में, 66 में जब स्थापित किया था ईडीबी, उन मेंबर्स उसी टाइम पे इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया था, और इनके जो शेयर होल्डर्स में चौथा सबसे बड़ा शेयर इंडिया का है एडीबी में। एडीबी में चौथा सबसे बड़ा शेयर इंडिया का है। सो इंडिया इज अ वेरी प्रोमिनेंट मेंबर। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट में, और उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, किसी को डाउट होगा कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जल्दी से लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू क्वेश्चंस। पहला सवाल, एमनेस्टी इंटरनेशनल किस क्षेत्र से जुड़ा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे संबंधित है? एनी गेसेस, किसी को अगर गेस करना हो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे होगा, क्योंकि एक हिंट मैंने आपको पहले भी दिया था, जल्दी से ऑप्शन बी एंड सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है। मोस्ट ऑफ योर आंसर्स ऑन ऑप्शन सी, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स आता है सबका, ह्यूमन राइट्स। द आंसर फॉर दिस, नाउ एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा प्राइवेटली रन एनजीओ है विच वर्क्स टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दैट बीइंग राइट, तो मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट, यूनेस्को के मुख्यालय कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, या यूनेस्को के मुख्यालय कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर? जेनेवा, ऑलराइट। यूनाइटेड नेशंस में दो ही हो सकते हैं, या तो जेनेवा होगा या फिर न्यूयॉर्क होगा, पर यहां पे पेरिस विल बी द राइट आंसर। यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस के अंदर है। गो थ्रू द लिस्ट, याद हो जाएगा धीरे धीरे, गिव इट सम टाइम, ऐसे डिसहार्टन नहीं होना है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ट्रिक अप्लाई होती है, जो ट्रिक बताई थी एग्रीकल्चर और फूड की, वो इसमें अप्लाई होती है। रोम, बिल्कुल सही, इट इज इन रोम, रोम में हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर या WWF, इसके लोगो में, जो इसका लोगो होता है उसमें कौन सा जानवर है? विच एनिमल इज यूज्ड? सबने देखा है ये पैंडा, बिल्कुल सही तनुश्री शिवांगी, वंडरफुल, इट इज पैंडा, ऑप्शन बी, पैंडा इसके लोगो में होता है। नेक्स्ट, सार्क किसके लिए बनाया गया है? सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके नाम में ही है, इसका उद्देश्य इसके नाम में है। फिफ्थ क्लास की नॉलेज काम में आ गई, दैट्स राइट, उसमें देखा होगा। सार्क ए है रीजनल कोऑपरेशन, आरसी जो इसमें है वो रीजनल कोऑपरेशन के लिए, फुल फॉर्म देखेंगे तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एंड दैट इज द राइट आंसर, क्षेत्रीय सहयोग के लिए है। फाइव परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, यूएनएससी का कल बताया था, 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं इसके? विच आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी? ऑप्शन बी एंड सी में कंफ्यूजन है। तान्या, तनुश्री, शिखा, बाकी सबके आंसर्स? इशिता, शौर्या, वंडरफुल, क्विकली आंसर, ऑप्शन सी ज्यादातर सबका रहा है, जर्मनी, चाइना, यूएसएसआर, यूके, यूएसए। जर्मनी से बड़ा चाइना नहीं हुआ, चाइना इज द राइट आंसर। चीन, फ्रांस, यूएसएसआर, यूके और यूएसए। यूएसएसआर की जगह वैसे रशिया होना चाहिए, बट यू अंडरस्टैंड द आइडिया। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? इनमें से कौन सा एक सांस्कृतिक संगठन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन? कल्चरल कौन सा है? यूनेस्को, दैट इज राइट। यहाँ पे जो सी है वो कल्चरल के लिए ही है, एंड यूनेस्को बीइंग द राइट आंसर। इंटरनेशनल रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर्स, ये आप लोगों को जब इंडेक्सेस कराया था उसमें बता दिया था, तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स, विधि, आयुष, तनुश्री, शिवांगी,
द हग में सिर्फ दो देखे थे, क्राइम वाले हैं, दोनों जस्टिस वाले हैं. यहाँ पे जेनेवा विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस का कौन सा नहीं है हिस्सा? Which of the following is not a part of United Nations organization? कौन नहीं है? अभी कराए हैं ये तो. Option C, ASEAN. That is right. ASEAN जो है ये एक intergovernmental organization है जो United Nations का हिस्सा नहीं है. ILO, WHO ये दोनों UNO का हिस्सा है. Now, chairship of UNSC. UNSC की जो प्रेसिडेंसी है वो कितने महीने में चेंज होती है? ये कल भी कराया था, जल्दी से. ऑप्शन ए, डी, ए और डी में कंफ्यूजन है. प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी डी है, बिल्कुल सही. हर महीने चेंज होती है. यूएनएससी में 15 मेंबर है, हर महीने प्रेसिडेंसी चेंज होती है. नाउ वी हैव डन 10 क्वेश्चंस. यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर. यहां पे यू कैन सी अबाउट आई गेस 10 क्वेश्चन तो अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन और हैं. एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस दिस. ठीक, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे. कल किसी को भी इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, फील फ्री टू आस्क. हम लोग पहले इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर आगे मूव ऑन करेंगे. ठीक, तो सॉल्व करके आना है एंड फिर अगर डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे. अगर सबसे सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग विल लीव फॉरवर्ड. ठीक, तो आई विल बी सीइंग यू टुमारो. आई नॉट श्योर, आई हैवंट चेक्ड योर टॉपिक एज ऑफ नाउ, बट इफ यू वांट आई कैन चेक इट एंड लेट यू नो. आप लोगों को अभी तक अपडेट नहीं हुआ है वो. Have you all not got the timetable yet? Just let me check it only. मैं एक बार आपको बता देती हूँ देख के. Just give me one second. All right. Tomorrow we will be doing about national financial institutions. जो financial वित्तीय संगठन है भारत में उनके बारे में हम लोग discuss करेंगे. राइट, तो पहले ये इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संगठन हो जाए, फिर हम लोग वित्तीय संगठन नेशनल या इंडिया के डिस्कस करेंगे. ठीक, तो आई विल बी टेकिंग योर लीव हियर. बेसिकली इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस है, इट्स अ शॉर्ट फॉर इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस. जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो सब डिस्कस करेंगे. सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, बाकी सब भी डिस्कस करेंगे. राइट, तो आई विल बी टेकिंग योर लीव. हैव अ गुड नाइट अहेड, टेक केयर. एंड Yes, it is very necessary. सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, बाकी सब एग्जाम्स के लिए. आप चाहे ये एग्जाम की बात करें CUET की, चाहे आप आगे ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम्स की बात करें, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनका बेसिस स्टैटिक GK, बेसिक GK जो है वो यही होता है. राइट, तो टेक केयर ऑल ऑफ यू. गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे.